brought to you by ITIL. आंध्र प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एन संजय को सस्पेंड कर दिया है। संजय आंध्र प्रदेश क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजीपी भी रह चुके हैं। विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट यानी V&E विंग की ओर से की गई जांच के बाद ये फैसला आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक V&E विंग ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय हेराफेरी की जांच की है। विभाग का कहना है कि इस जांच में आंध्र प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक के रूप में एन संजय के कार्यकाल के दौरान हेराफेरी के सबूत मिले थे। एन संजय वही अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले साल 23 सितंबर को एक ऐसे ऑपरेशन का नेतृत्व किया था जिसके चलते मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू को नांदेयाल से गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी प्रमुख के रूप में संजय की इस कार्रवाई की राजनीतिक हलकों में भी खूब चर्चा हुई थी। अब आपको बताते हैं कि इन संजय पर आखिर क्या आरोप लगे हैं। V&E विंग का कहना है कि संजय ने आंध्र प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवाओं के प्रमुख के तौर पर एक वेब पोर्टल बनाने के लिए और हार्डवेयर की खरीद के लिए टेंडर जारी किए थे। उन पर विजयवाड़ा स्थित सौथ्रिका टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर फर्म को भुगतान करने का आरोप लगाया है। रुपये तभी दे दिए गए जब कॉन्ट्रैक्ट का केवल 14% काम ही पूरा हुआ था। विभाग का मानना है कि ये राज्य के संसाधनों का गलत तरीके से प्रयोग करने जैसा है। जांच में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST को बढ़ावा देने वाले एक वर्कशॉप को लेकर भी आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि इसके लिए 2 बार भुगतान किया गया, एक बार कुल 59.52 लाख रुपए और दूसरी बार 59.51 लाख रुपए का भुगतान किया गया। विभाग ने इसे 1 करोड़ रुपए से अधिक के फंड का कुप्रबंधन माना है। ये वर्कशॉप कृतव्यप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने आयोजित की थी। V&E विंग का कहना है कि हैदराबाद में ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं। जांच में कृतव्यप के ऑफिस की जगह सेंथ्रिका टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस पाया गया। विभाग ने कहा कि ये धोखाधड़ी और वित्तीय घोटाले का संकेत देता है। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद ने इस मामले को लेकर 2 पन्नों का आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि दोनों रिपोर्ट्स की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संजय ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और जाँच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करना जरूरी है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।